कमाल है ये तो। इसे पहनकर देविका बिल्कुल वैसी लगी जिस रूप में मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसे पैक कर दो, जल्दी करो। गाड़ी तो यही खड़ी है, इसका मतलब साकेत मार्केट में है। ये लीजिए सर, सर फिर आते रहिएगा। जब भी आदमी यहाँ से निकला वो उसने क्या लिया, क्या लिया यहाँ से? कौन वो? हाँ जी, हाँ जी, वही। वो अपनी होने वाली वाइफ के लिए शादी का जोड़ा खरीद के लेके गए। शायद उनकी शादी आज ही है, बहुत जल्दी में थे वो, और कह रहे थे कि उनकी होने वाली वाइफ उनका इंतजार कर रही है शादी के लिए। मतलब साकेत शादी करने जा रहा है देविका के साथ। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो मुझे साकेत को रोकना होगा। बहुत भूख लगी है, कुछ पैसा दे दो खाने को। सिग्नल खुलने के बाद साकेत गया कहां पर? अभी तो नहीं था। ओह गॉड, साकेत मुझे मिला नहीं तो फिर मैं देविका तक कैसे पहुंचूंगा? रवि, रवि तुझे गाड़ी पर नजर रखनी चाहिए थी। रवि क्यों मुझे दंडो, तैयारी होगी? ओहो बॉस, क्या गजब लग रहे हो शेरवानी में। बोले तो झकास, भाभी जी देखेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छा, तुझे ऐसा लग रहा है? हाँ हाँ बॉस, 100% भाभी जी खुश हो जाएगी। आप एकदम दूल्हे जैसे दिख रहे हो, एकदम चकाचक। अबे कमीने, आज मेरी शादी है, मैं दूल्हा नहीं लगूंगा तो कौन लगेगा? और तू क्या चाहता, जोगी बनकर घेरुआ पहनकर हाथ में मंजीरा बजाते हो आता? गुस्ताखी माफ करे हजूर, आप कोई प्रेम के जोगी से कम थोड़ी ना है, और हम आपके भक्त। ये बात तो सही बोली तुमने। अबे बकवास बंद कर, काम पे ध्यान दे, किसी को भी अंदर मत आने देना। कोई भी अंदर आए ना तुम दोनों की खैर नहीं है। हाँ सिर्फ पंडित को आने देना, मैं अंदर जा रहा तेरे भाभी से मिलने, ध्यान रखना। लग रहे हो बॉस, नजर ना लग जाए। सॉरी तरीका, आने में देरी होगी। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत क्या है, एक ही जगह पे ऐसे बैठे रहना, वो भी इतनी गंदी जगह, बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें, बांध के भी रखा है तुम्हें। लेकिन मैं करूँ क्या, और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अगर प्यार से मान जाती तो यहाँ नहीं, किसी 5-स्टार होटल में होती। नहीं कोई बात नहीं, बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, ठाट की जिंदगी होने वाली है तुम्हारी। अरे भूल गया यार, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सॉरी, ये तो मेरा है, ये देखो शादी का जोड़ा, कैसा लग रहा है, पसंद है? तुम्हारे पसंद का? ये रंग तुम पर बहुत अच्छा खिले, तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए, कैसे देखोगे तुम? देखो
शायद अभी भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ है कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है। मुझे कमजोर मत समझना उस देविका की तरह। शायद वो बहुत कमजोर होगी, तुमसे डरती होगी, इसीलिए तुम उसके साथ ऐसे पेश आते थे ना। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझमें जितनी हिम्मत है ना वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मैं तुम्हें और तुम्हारे इस झूठे प्यार को अपनी जूती समझती हूँ। और क्या कर लोगे तुम, मुझसे जबरदस्ती शादी करोगे, उसके बाद क्या करोगे? जिंदगी भर ऐसे यहाँ पे मुझे बंद करके रखोगे? क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकली ना, उस दिन तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं भी निकली तो मेरी माँ ढूंढते हुए मुझे आ ही जाएंगी, और फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है ना ये मैं देखूंगी। तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकते मिस्टर साकेत कपूर। क्या लगता है तुम्हें, जबरदस्ती साथ फेरे लेकर मेरे साथ में तुम्हारी हो जाऊंगी तो मैं अपना पति मानने लगूंगी? पति माय फुट। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी अपना पति नहीं मानूंगी। मैं नफरत करती हूँ तुमसे और हमेशा करती रहूंगी। और ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, ये जिद्दी पागलपन, अगर इसकी मैंने धज्जियां ना उड़ा दी ना तो मेरा नाम अंबिका नहीं। क्या लाया तुम मेरे लिए? शादी का जोड़ा। मैं दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या हाल करूंगी। मैं दिखाती हूँ शादी का जोड़ा क्या होता है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया ये नाटक। बंद करो ये सब, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, समझी? मजबूर कर रही हो, हर वो चीज करो जो करने के लिए मैंने आज तक अपने आप को रोक रखा था, समझी? पच्चीस मिनट दे रहा हूं तुम्हें, 25 मिनट में अगर तुम तैयार होके बाहर नहीं आई तो मैं खुद आ जाऊंगा, अपने हाथों से तुम्हारे एक कपड़े उतारूंगा और शादी का जोड़ा खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा, अपने हाथों से, समझी? तुम सिर्फ मुझे मजबूर कर रही हो, इसलिए मजबूर मत करना कि मैं भूल जाऊं तुम्हारी इज्जत, ताकत, हिम्मत, जो बोल रही है सब कुछ। मत मजबूर करो और सुहागरात यही बना लो, शादी का भी इंतजार नहीं करो, समझी? जितने टुकड़े तुम ये शादी के जोड़े का करोगे ना, उतने में तुम्हारे इज्जत के करूंगा, तो सोच लेना। आगे तुम्हारी मर्जी, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहाँ चला गया ये साकेत, कहाँ ढूंढूं मैं इसे? पता नहीं देविका किस हाल में होगी, उसने प्लीज देविका मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मैं कैसे बचाऊं तुम्हें, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अम्बे माँ प्लीज, अम्बे माँ प्लीज मेरी सहायता करो, अम्बे माँ मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। बॉस क्या हुआ, कोई परेशानी है? ये पंडित आए नहीं अब तक, टाइम भी निकला यार। तो बॉस एक बार फोन लगा लो उनको, कहां तक पहुंचे हो? तुझे क्या लगता है मैं फोन नहीं लगा, उठा रहा नहीं है। बॉस ये लीजिए, पंडित जी आ गए, अब जल्दी जल्दी शादी कर लीजिए अब। अबे पंडित इतना टाइम लगाया आने में, कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों उठा रहा है? जी वो आज रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और मैंने अपना फोन इस थैले के अंदर रख दिया था, जब आपका फोन आया तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आज ही ट्रैफिक मिलना था तुझे और आज ही तुझे सुनाई नहीं दिया। चल टाइम वेस्ट मत कर, काम पे लग जा, जल्दी शुरुआत कर। और हाँ मदद चाहिए तो मेरे आदमी है, मदद लेना उनसे। वो लड़की कहाँ है? कुछ उससे क्या, आ जाएगी, काम तो शुरू कर। जी चलो आइए, मैं आपको सामग्री दिखा देता हूँ। साकेत जी सारी तैयारियां हो गई है, अब आप एक काम कीजिए, कन्या को बुला लीजिए। हाँ आ जाएगी।